पृष्ठभूमि जो आपने रखी, ये निश्चित तौर पर इसी चीज के इर्द गिर्द छत्तीसगढ़ की पूरी राजनीति चलती है या इसी को पूरा करने में छत्तीसगढ़ की सरकारें चलती हैं। अगर 5 साल के कार्यकाल को हटा दे जो भूपेश बघेल जी का रहा, तो नई सरकार भी इन्हीं चीजों को आगे बढ़ाने में लगी है, कोई बड़ी योजनाओं को ये लोग लेके नहीं आए हैं। सवाल है कि आज भी जो 2024 के लिए राजनीतिक मंच बन रहे हैं उनमें किसानों को MSP देंगे, 2007 में इतना बड़ा पुरस्कार ले चुका है छत्तीसगढ़ रमन जी के नेतृत्व में, उसको फिर से दोहरा करके उसी चीज को आगे ले जाने की कोशिश हो रही है, कांग्रेस का आरोप है कि इनके खाते में कुछ नहीं है। नहीं, छत्तीसगढ़ ने किसानों के जीवन में मूलभूत परिवर्तन लाने का काम किया और पहली बार छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य में धान खरीदी की व्यवस्था हमने शुरू की। 2007 में आप पुरस्कार ले चुके हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस देकर धान की खरीदी, और छत्तीसगढ़ के जितने भी सहकारी संस्थाएं थी उनके माध्यम से धान खरीदी की व्यवस्था भी की, एक सिस्टम बनाया, PDS का सिस्टम बनाया, तो कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ को विकसित करने के दृष्टि से जो किसानों की भूमिका है। और आज फिर कहें कि विष्णुदेव साय की सरकार आई तो उस योजना को आगे बढ़ाने का काम, आज धान की खरीदी जो हमने मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय किया था, आज आश्चर्य करेंगे देश में सर्वाधिक कीमत में धान खरीदी 3100 रुपये प्रति क्विंटल और 21 क्विंटल धान खरीदी अकेला छत्तीसगढ़ दे रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की उस नीति का आगे बढ़ा के विष्णुदेव जी ने उसको आगे बढ़ाया है, 2 साल का बोनस उनको देने का काम हुआ और बहुत सारी योजनाएं किसान के संबंध में जारी किया गया। तो बिना किसान के, बिना धान की खेती के छत्तीसगढ़ में और किसी विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। आरोप भी कांग्रेस का यहीं से है कि आप पलायन की बात करते हैं रोक नहीं पाते हैं, किसान की बात करते हैं खेतों में कमाई नहीं है, किसान मजदूर बनता जा रहा है, आरोप भी आप पे कांग्रेस यही लगाती है। किसानों के जीवन में कांग्रेस ने लंबे समय तक मध्य प्रदेश के रूप में कहें या अन्य रूप में कहें छत्तीसगढ़ में राज किया, शासन किया, लगातार उनकी सरकार थी, मगर छत्तीसगढ़ की मूल समस्याओं को कभी चिन्हांकित ही नहीं किया। सिंचाई का प्रतिशत कैसे बढ़े, किसानों के उत्पादन में वृद्धि कैसे हो, किसान के जीवन में परिवर्तन को लाने के लिए कार्ययोजना हम कैसे बना सकते हैं, और केवल किसान का मतलब धान ही नहीं है, छत्तीसगढ़ में वन क्षेत्र में रहने वाले वनवासियों के लिए हम लोगों ने योजना शुरू की है, उसमें यानी जो सबसे बड़ा विषय है किसानों के तेंदुपत्ता के क्रय करने की एक सिस्टम हमने बनाया, बेहतर 40 से ज़्यादा लघु वनोपजों की खरीदी, उसके लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस की योजना बनाई, ताकि छत्तीसगढ़ के मूल मैदानी इलाके में धान की खेती और बाकी जगह लोगों के जीवन में और उनको पैसा कैसे मिल सकता है, उस दृष्टि से महुआ से लेकर इमली से लेकर अन्य खरीदी की व्यवस्था भी की। तो ये एक समुचित कार्ययोजना बना के हमने काम किया।